हुआ नहीं वैसा। आपको पहले से पता चल चुका हुआ था कि आखिरी ओवर आप कर रहे हो या सडन बॉल कप्तान ने आपको दी, या आप क्यों आपका ही आखिरी ओवर आया? उससे पहले हम लोग सब एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि नसीम का होगा, तो थोड़ा सा ये बताएंगे आप हमें। पहले से तो ये डिसाइड नहीं था डेफिनेटली, मैच की सिचुएशन ऐसी चल रही थी उस वक्त, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन था बैट्समैन का, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले किया, बट वो करते करते फिर एंड तक ऐसा हो गया कि थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही थी फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा क्रैम्स की वजह से, तो उस वजह से तो ये है कि सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे आखिरी ओवर करना पड़ा। जी T20 क्रिकेट हम समझते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस क्रिकेट के तौर पे जानी जाती है, लेकिन यहाँ की विकेट्स कुछ ऐसा लग नहीं रहा, बैटिंग करना थोड़ा तो मुश्किल हो रही है, बड़े स्कोर नहीं बन रहे, ऐसे विकेट्स क्या T20 क्रिकेट को मावन है या उनके लिए ठीक नहीं है ऐसे विकेट्स? नहीं देखें, विकेट तो कोई भी ऐसी पब्लिक जो है वो ऑब्वियसली हाई स्कोरिंग गेम वो देखना चाहते हैं, बट ये है कि दुबई में ऑल हमेशा से ऐसी पिचेस हुई हैं कि बॉलर्स को थोड़ी सी फेवर करती हैं, कभी कभी होता है कि अच्छी पिचेस भी आ जाती हैं, बट यह है कि लो स्कोरिंग गेम में भी मतलब हो जाता है कभी ऐसी पिचेस आ जाती हैं। जी शायद नमाज़ किया, क्या मूड है कैंप में, इसलिए कि बहुत वन साइडेड गेम होते थे इंडिया पाकिस्तान के T20, तो ओवरऑल क्या मूड है कैंप में, और क्राउड ने तो बड़ा अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान ने बड़ा फाइट किया? जी बिल्कुल, जैसे ही कॉम्पिटिटिव गेम हुई है इससे तो पब्लिक ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया जैसे आपने बोला, और मोरल काफ़ी हाई है टीम का, और जिस तरह से हमने फाइट किया इतने लो स्कोरिंग मैच में भी हमने इतना टाइट रखा टिल एंड, और कॉन्फिडेंट है सारे लड़के, और इंशाल्लाह हम आगे जो रेस्ट ऑफ द गेम्स हैं उसके लिए काफ़ी पुर उम्मीद है। जी सर, बस एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इंडिया के साथ एक और मुकाबला जो है वो संडे को होगा, उसके बाद फाइनल कभी, ये किस तरह मोमेंटम इसी तरह जारी रहेगा जिससे कि फाइटिंग स्पिरिट आप लोगों ने पहले मैच में निकाली? देखें, जिस तरह से पहला मैच हुआ है उससे तो काफ़ी जितने भी प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है, और जैसे वर्ल्ड कप में भी हम इनके अगेंस्ट जीत चुके हैं, तो मोरल काफ़ी आई है, और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच आएगा तो डेफिनेटली इसको जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम उसके लिए कॉन्फिडेंट हैं। जी, और नसीम शाह की इंजरी के बारे में बताइएगा कि क्या मैच खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे? वो तो मैं आपको बता दूंगा, वो ये प्लेयर से पूछने वाला सवाल नहीं है आपका कोई। अच्छा नवाज़ भाई, फास्ट बॉलर्स को इंजरीज हो रही हैं, शाहीन, फिर नसीम, उसके बाद वसीम, तो कितनी जिम्मेदारी आती है स्पिनर्स के ऊपर फिर मैच में? शाहीन तो इंजर्ड हुआ है डेफिनेटली, बट यह है कि नसीम शाह को इंजरी कोई मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मतलब कोई मेजर प्रॉब्लम है, वो बस थोड़ा सा वेदर की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, क्रैम्स पड़ रहे थे, अदरवाइज़ वो बिल्कुल फिट है, और इंशाल्लाह आप उसको देखेंगे नेक्स्ट गेम्स में भी। मेरा सवाल यह कि कितना अहम हो जाता है स्पिनर्स का रोल फिर इसमें, कितना हो जाता है, क्यों बॉलर फास्ट बॉलर जो है वो क्रैम्स आ रहे थे नसीम को भी, वो पहले दो तो इंजर हो गए थे? जी बिल्कुल, काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बट ये है कि दुबई में तो वैसे भी जो है स्पिनर्स के काफ़ी अहम रोल रहा है, तो उस हिसाब से मेरे माइंड में ये है कि इधर स्पिनर्स की थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पिनर पे है, क्योंकि मिडल में विकेट्स चाहिए होती हैं, और वो सारी चीज़ें उसको लेकर उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रहेगा।